शराब विक्रेता महिला के घर में पुलिस ने छापा मारकर देशी शराब की 61 बोतलें जब्त की। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति अविनाश जोशी ने प्रतिवादी को सुनवाई से पहले 2.5 लाख रुपए न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट समृद्धि महामार्ग निर्माण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर पुलिस दल ने शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल डाले। एक नव दंपति को बंधक बनाकर 7 सशस्त्र डकैत नकदी और गहने सहित करीब 81,000 रुपए का माल लूटकर फरार हो गए। गोलीबार चौक के पास एक मकान में छापा मारकर पुलिस ने नायलन मांजा विक्रेता को धर दबोचा। पिछले 2 दिन से नागपुर का न्यूनतम पारा लगातार गिर रहा है। न्यूनतम तापमान गिरने के साथ ही ठंड फिर लौट रही है।